अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माकी वॉर्ची आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ मिनी मीट बॉल्स ये बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे एक तरह के ड्राई सूखे कोफ्ते बनेंगे बकर की स्पेशल रेसिपी है ये तो बनाना शुरू करते हैं इसके लिए आपको चाहिए 300 ग्राम मटन का बीफ का या फिर चिकन का आप लेना चाहो ले सकते हो खीमा इसको मैंने गोश्त लिया था और अच्छे से अच्छे से फाइन ख़ीमा बनाना है मसाले में आ जाते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने वन टी डाला हुआ है और दही डालेंगे जब भी कोफ्ते बनाते हैं तो हार्ड बन जाते हैं इससे आपका कोफ्ता बहुत सॉफ्ट बनता है जैसे कि दही डाल दिया आपने प्याज डाल दी या फिर काजू का पेस्ट डाल दिया इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर वो एक बड़ी साइज़ की प्याज़ फ्राई की है और डाल दी है इस तरह से आप क्रश करके या फिर पेस्ट भी डाल सकते हैं इसका प्याज डाल दिया और इसमें डालेंगे सूखे मसाले सूखे मसालों में है धनिया पाउडर वन टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भुना गुटा धनिया भुना घुटा ज़ीरा धनिया वन टीस्पून ज़ीरा जो है हाफ टी स्पून यहाँ पे इस डाल दिया है हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी है और हल्दी डालने के बाद इसमें जाएगा नमक वन टीस्पून के करीब नमक डाल दें नमक डालने के बाद नमक डाल दिया और वन टीस्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च और हाफ टी स्पून गर्म मसाला ये होम मेड गर्म मसाला है सारी चीज़ें डाल दी और भुने चने वन टीस्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वन टीस्पून से थोड़ा ही ज़्यादा होगा ये एक से डेढ़ टीस्पून स्पून देखिए इतना मैंने डाल दिया भुने चने का पाउडर और इसकी जगह आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं वाइट ब्रेड उसे भी बहुत अच्छे बनते हैं कोफ्ते एकदम जूसी कोफ्ते हो या फिर कबाब हो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है फ़ैट थोड़ा सा रहना चाहिए खीमा अगर बना रहे हैं आप तो कोफ्ते या फिर सीख कबाब कोई सा भी कबाब बनाएं एकदम ड्राई गोश्त ना लें थोड़ा सा फ़ैट होना ज़रूरी है में। मीट में देखिए अच्छे से मिक्स करें उसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ वन टी स्पून के ख़रीब देखिए इतनी मैंने ऐड कर दी और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं फ़्रेश क्रीम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया और हाथ जो है थोड़ा सा पानी लगा लें मिनी मिनी कोफ्ता बनाएं छोटे छोटे और देखिए इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते बना रही हूँ और ये इंस्टेंट और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है देखिए इसी तरह से आपको सारा खीमा बना लेना है छोटे छोटे कोफ्ते और यहाँ पे मैंने सारे बना लिए हैं एक कढ़ाई रख दें चूल्हे पे और दो टेबलस्पून के करीब उससे भी कम ही डाल दो तेल तेल जब गर्म हो जाए ये सारे कोफ्ते उसमें डाल दो देखिए इस तरह से डाल दें और इसको चमच ना चलाएँ फ़ौर ही देखिए इस तरह से अच्छे से बस सिर्फ कढ़ाई से ही हिलाते जाएं कढ़ाई से थोड़ी से थोड़ी देर हिलाते जाएँ ताकि ये थोड़ा सा से सेट हो जाए उसके बाद जो है इस तरह से टर्न कर दें छोटे स्पून से इस तरह से टर्न करने के बाद बस इसको एक से दो मिनट ढक के पकाना है बहुत इंस्टेंट और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है ये देखिए इस तरह से मैंने ढक दिया बस दो मिनट के लिए ज़्यादा देर नहीं मीडियम फ्लेम पे दो मिनट के लिए ढक दिया ये एकदम देखिए ड्राई हो चुके हैं इसमें डालते हैं हरी मिर्च आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें इस तरह से कट किया और डाल दिया हरी मिर्च डालने के बाद एक आध मिनट के लिए भूनना है इसको देखिए इस तरह से ताकि हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाए करी पत्ता डाल दिया करी पत्ता डालने के बाद बस एक दो सेकंड के लिए बस मिक्स करना है और ये रेडी टू सर्व है इसको केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ मेयोनीज के साथ सर्व करें बहुत मज़े का बनता है ये इंस्टेंट वो भी इस ईद पे आप इसको बना के ज़रूर खाएं मिनी मीट बॉल्स कैसे लगे ज़रूर बताएं तो इसी तरह के इंस्टेंट और झटपट रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़